हेलो, गुड इवनिंग गाइस। गाइस देखिए, मैं आपको अपना गार्डन दिखाती हूँ जिसकी मैंने आज सफाई की। देखिए, कुछ एक यहाँ पे काट दिए मैंने फूल और कुछ एक अभी करने को बाकी है। ये है मेरा गार्डन छोटा सा, जो घर के सामने छोटी सी जगह पे मैंने फूल लगाए हुए थे जिसकी अब कटिंग करने को हुई है। तो देखिए, मैं अगस्त के महीने में कुल्लू चले गई थी और फिर आपको पता है कि बारिश रही पूरे अगस्त में, जिस कारण रोड ब्लॉक हो गया और मुझे कुल्लू में रहना पड़ा 20 दिन। ये मैंने लगभग कुल्लू जाने से एक हफ्ता पहले इसकी कटिंग की हुई थी और अब 20 दिन बाद, लगभग एक महीने के बाद फिर से इसकी कटिंग कर रही हूँ। जो ख़राब पौधे थे उसको निकाल दिया है। देखो, इतने पौधों को मैंने हटा दिया क्योंकि यहाँ पर बहुत घने हो चुके थे। ये है मेरा गार्डन, इसमें मैंने काफ़ी सारी वैराइटीज लगाई हुई है। देखिए, ये मेरा सबसे बेस्ट फ्लावर है। और कुछ एक एलोवेरा और लिली वगैरह ये सब लगाए हुए हैं। अभी मैंने इसकी सफाई की, काफ़ी ज़्यादा पौधे ख़राब भी हो चुके थे जिसको मैंने निकाल दिया है। अब गार्डन में सफाई करके कुछ इस तरह का दिख रहा है। अभी मैं, ये हमारा पुराना वाला घर है और ये अभी नया वाला जिसकी फिनिशिंग हो रही है। तो इसके सामने हमारा छोटा सा मंदिर है, उस पर भी मैंने कुछ पौधे लगाए हुए थे कुछ दिन पहले, जो काफ़ी हरे भरे और अच्छे से खिले हुए हैं दोनों साइड, मंदिर के गेट के दोनों साइड। यहाँ भी ये देखिए कितना हरा भरा और सुंदर सा खिल चुका है। और सामने भी मैंने कुछ एक फूल लगाए हुए थे, इनमें वाइट कलर के खिले हुए हैं। देखिए गाइस, और यहाँ पर पिंक, अभी यहाँ भी छोटे छोटे पौधे खिल रहे हैं। ये मेरा मंदिर वाला व्यू, और अभी इसके सामने ही मेरा छोटा सा गार्डन देखिए, जिसकी मैंने कटिंग की है आज। देखिए, इसके काफ़ी सारे पौधे खराब हो चुके हुए थे जिसको मैंने निकाल दिया है। यहाँ पर इतने सारे, अभी कुछ की कटिंग मैंने यहाँ पे की जो खराब हो चुके थे, अभी घास निकालनी बाकी है। देखिए, इसकी अभी छंटाई करनी बाकी है। और मुझे ना ग्लव्स पहनकर काम करना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि छोटी छोटी घास जो होती है ना वो रह जाती है बीच में, इसलिए मैं हाथों से निकालती हूँ। और मेरे हाथों की कुछ ऐसी हालत हो चुकी है, मुझे हाथों से ही काम करना अच्छा लगता है। देखिए, यहाँ से मैंने घास निकाल दी है इतनी ज़्यादा और बिल्कुल साफ है गार्डन। पौधे बहुत ही घने हो चुके थे, ज़्यादा घने होने की वजह से इनके बीच में सांप भी हो सकते हैं, इसलिए मैं इनकी छंटाई करती रहती हूँ और एक्स्ट्रा पौधे को बाहर निकाल देती हूँ। कुछ एक पौधे, कुछ एक फूल मैंने अपने खेत में भी उगाए हैं। इसकी वैरायटी यहाँ भी है जो काफ़ी लंबे हो चुके हैं,
तो इनको मैंने अभी नहीं काटा है क्योंकि इसमें अभी खिले हुए हैं। और एक बेल मैंने यहाँ से लगाई हुई है ज़मीन से, तो इसके ऊपर को मैंने रस्सी से बांधा हुआ है इसको, जो कि ऊपर वाली मंजिल तक चले गई है। देखिए ये मुझे बहुत पसंद है और एक सारे कमरे की ओर जा रही आगे, सारे में फैल चुकी है जिसको मैंने ऊपर को लगाया हुआ है। और ये देखिए ये पौधा कम से कम 8 फीट से भी लंबा हो चुका है, जिसको मैंने अभी नहीं काटा है। इसकी कटिंग बाकी है क्योंकि इसमें अभी फ्लावर लगे हुए हैं, इसको मैं कुछ दिन बाद में देखूंगी, जब ये मुरझाएंगे तो मैं इसको काट दूंगी। ये भी मुझे अच्छा लगता है, ऑरेंज कलर का फ्लावर है, ऑरेंज कलर का रोज़, देखिए गाइस। और ये है मेरा गार्डन व्यू कुछ इस तरह। देखिए छोटी सी जगह में काफ़ी सारी वैराइटीज लगाई है मैंने, देखिए घर के सामने ही। और ये पीछे छोटा जैसा हमारा मंदिर है, यहाँ पर कम जगह में काफ़ी सारे फूल लगाए हुए हैं। अभी मुझे और कटिंग करनी बाकी है बची हुई, इसको काट लेती हूँ और फिर मैं